एवरीवन, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे चैनल पर मिलने वाले कोवर्स का सब फ्रेंड्स, आई होप आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लीन अप की वीडियो। तो ये मैं क्लीन अप खुद पे करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग को इससे ज़्यादा समझ में आए कि मैं पार्लर में क्लीन अप किस तरह से करवाती हूँ या फिर क्लीन अप कैसे करते हैं। तो क्लीन अप में बेसिकली ज़्यादा स्टेप नहीं होते हैं, क्लीन अप में बस तीन स्टेप होते हैं, क्लिनजिंग, स्क्रबिंग एंड पैक। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो है मेरी स्किन पे जो है क्लिनजिंग हो रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक टिश्यू लेना है जिसे भिगा कर, पहले क्लाइंट अगर आ रही है आपके पास तो उसे अच्छे से क्लीन कर देना है फेस को। वो फेस वॉश करके आए, वो क्लीन करके आए, लेकिन फिर भी आपको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको क्लिनजिंग मिल्क लेके, आपके पास जो भी क्लिनजिंग मिल्क है वो क्लिनजिंग मिल्क लेके आप अच्छे से क्लिनजिंग कर ले। क्लिनजिंग से होती है क्या कि हमारी जो स्किन की लेयर जो होती है, लेयर से डस्ट को जो है ना अच्छे से एकदम क्लीन कर देती है। तो क्लीन अप जो है, जो 16 ईयर्स के जो है, तो 16-17 ईयर से लेके ये आप 30 की एज तक क्लीन अप करा सकते हैं, क्योंकि मेरी एज 20 प्लस है। तो अभी 20 प्लस एज वालों की तो स्किन ऐसे ही टाइट रहती है, बट क्या होती है, जो धूप में जाते हैं, क्लास जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उसकी वजह से जो होती है क्या होती है कि टैनिंग हो जाती है, गंदगी हो जाती है। तो उसको हटाने के लिए आपको क्लीन अप ज़रूरी होता है हमारी स्किन के लिए। क्लीन अप आपको मंथ में एक बार या फिर डेढ़ मंथ में एक बार ज़रूर ही करवा लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन एकदम साफ रहेंगी, अंदर से भी साफ रहेंगी, ऊपर से तो साफ रहेंगी, अंदर से भी साफ रहेंगी, तो इससे आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से क्लीन अप करा रही हूँ। मैं भी करा लेती हूँ, एक मंथ पे, डेढ़ मंथ पे क्लीन अप मैं भी कराते रहती हूँ। तो इसको आपको गर्दन पे अच्छे से कर लेना है, ईयर पे करना है, और जो हमारी क्लिनजिंग है वो ज़्यादा नहीं करना, 3-4 मिनट इनफ है करने के लिए। और सेकेंड स्टेप यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेकेंड स्टेप में मैं यहाँ पे स्क्रब करवा रही हूँ, ये मेरी स्टेप कर रही है। तो स्क्रबिंग जो है वो बिल्कुल आपको धीरे धीरे हाथ चलाना होता है। इसमें क्या होगा कि आपको फास्ट दिख रहा होगा क्योंकि वीडियो फास्ट मोड पे रहता है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इस वजह से, लेकिन आपको ऐसा नहीं समझना कि जल्दी जल्दी हो रहा है तो जल्दी जल्दी ही करना है, आपको बहुत ही आराम से करना है। हाथ स्क्रबिंग के टाइम तो आपको स्पेशली बहुत लाइटली हाथ चलाना है, और जो आपकी फिंगर टिप है आपको फिंगर टिप की हेल्प से ही आपको करनी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी चिन पे, अपर लिप पे, चिक पे, फॉरहेड पे, आईज पे किस तरीके से ये स्ट्रोक्स दे रही हैं। तो स्क्रबिंग जो है एकदम आराम आराम से हाथ चलाना है, एंड आपको पीछे गर्दन वर्दन पे भी अच्छे से कर लेना है और ईयर पे भी अच्छे से कर लेना है। करके करना है तो बीच बीच में आप टोनर ले लें या फिर गुलाब जल ले लें, और हाथ गीला करके ही करें। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कर रही है, आपको भी आराम आराम से अच्छे से कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं तो इसलिए ज़्यादातर करवाती हूँ क्योंकि जो भी हमारी फेस पे गंदगी होती है, टैनिंग होती है, डेड सेल्स होती है, ये सब मेरे में हो ही जाती है। उसके सेकेंड जो है कि इससे जो है ना रिलैक्सिंग बहुत मिलती है। तो मैं तो बेसिकली ज़्यादातर इसीलिए करवाती हूँ क्योंकि मुझे ये क्लीन अप करा के बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, तो इस वजह से भी मैं कराती हूँ क्लीन अप। तो जो 30 तक की एज के हैं वो ज़्यादातर क्लीन अप कराते ही रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है स्किन। और फेशियल में है कि फेशियल में आपको ज़्यादा स्ट्रॉक होते हैं, ज़्यादा मसाज करना होता है, तो ये सब अभी 20 प्लस एज के लिए नहीं है। 20 प्लस एज के लिए है कि क्लीन अप ही आप कराते रहिए, और जिनकी एज 30 प्लस है तो उनके लिए
प्रॉपर मसाज होती है, प्रॉपर स्टॉक दी जाती है, तो उन लोगों के लिए है कि फेशियल बेस्ट है। लेकिन अभी टीनेजर्स जो है उनके लिए स्क्रबिंग, तो देख सकते हैं स्क्रबिंग 5 मिनट कंप्लीट हो गई है। 5 मिनट स्क्रब करने के बाद यहाँ पे पैक लगा ली हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे सहनाज की क्लीनअप करा रही थी। तो पैक जो है आपको लगाने के बाद, अच्छे से सुखाने के बाद देख सकते हैं फाइनल।